मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खुद को समाज सेवक बताने वाले ओवैस मोहम्मद अली सैयद और उसका एक साथी इरफान इब्राहिम अंसारी को मुंब्रा पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया है। मुंब्रा कौसा में बढ़ते नशे के कारोबार और इसकी चपेट में आते नौजवान युवक की बहुत बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन वहीं ओवैस जैसे लोग जो खुद को समाज सेवक बताते हैं और इसकी आड़ में नशे का कारोबार करते हैं, मगर अब ओवैस और उसका एक साथी इरफान पुलिस गिरफ्त में है। आपको बता दें कि ओवैस मोहम्मद अली सैयद 37 वर्षीय और दूसरा उसका साथी इरफान इब्राहिम अंसारी 34 वर्षीय, ये दोनों मुंब्रा के रशीद कंपाउंड के रहने वाले हैं। इनके पास से मुंब्रा पुलिस ने 5 ग्राम मेफेड्रिन पाउडर बरामद किया है, जिसकी कीमत 7,500 रुपये बताई जा रही है। दोनों के पास से जो मुद्देमाल बरामद किया गया है, इसकी टोटल रकम जो है वो 8,300 रुपये बताई जा रही है। पुलिस के तरफ से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ड्राइवर हैं और ओवैस ऑटो रिक्शा चलाता है और समाज सेवक के आड़ में नशीले पदार्थ का कारोबार भी करता था। गुप्त जानकारी मिली थी इन दोनों के बारे में मुंब्रा पुलिस को और मुंब्रा पुलिस ने घेराबंदी कर इन दोनों को मुंब्रा के संजय नगर के पास गौसिया मस्जिद के सामने से ओवैस और इरफान को पकड़ा है। तलाशी के दौरान इनके पास से मेफेड्रिन पाउडर बरामद किया गया है और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।